6% डीए की बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा काफी समय से मांग की जा रही थी। मांगों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6% डीए बढ़ा दिया गया, परंतु छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ इस बात से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि जिस तिथि से डीए बढ़ाया गया है उस तिथि से डीए दिया जाना चाहिए, जिसे लेकर संगठन द्वारा सोमवार से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसके कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़कर निगम दुर्ग के सभी काम ठप पड़े रहे। हड़ताल करने वाले संगठन के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष इस प्रकार से दी है। हड़ताल, प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है, विशेषकर डीए और एचआरए के लिए मांग चल रही है। क्योंकि राज्य शासन ने 6% डीए दिए हैं, लेकिन वो एक छलावा है। मुख्य रूप से हमें 6% डीए नहीं, भले 3% दें, लेकिन डे तिथि से देना आवश्यक है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस दिन से दिया है उसी तिथि से इन्हें लागू करना चाहिए था। हमारी केवल मांग ये है कि डीए दें, भले कम दें, लेकिन दे तिथि से लागू किया जाए, ताकि पार्ट पार्ट में भी दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा सरकार के साथ रहे हैं और सरकार का साथ दिए हैं, किंतु हमें भी वेतन के बराबर जो है अन्य शासकीय केंद्रीय कर्मचारियों को जो लाभ दिया गया है उस तिथि से हमें लाभ दें। वैसे तो सरकारें हर प्रकार की, जब भी कोई सरकार आई है उसने छलावा किया है, किंतु पिछले बार भी हमें छठवा वेतन मान दिया गया 2006 से देना था, हमें दिया गया 12 से, उसमें भी हमारे एरियस की राशि को आज तक नहीं दिया गया है। उसी प्रकार सातवां वेतन लागू किया गया है 2016 से, दिया गया 18 में, उसका भी एरियस के पैसे को इसी प्रकार जो है सरकारों द्वारा लाभ न देते हुए, उसे दे तिथि से न देते हुए, हमें जिस तिथि से लागू किया गया 18 से, तो 18 से ही दिया गया है। तो हमेशा से ही छलावा कर्मचारी अधिकारियों का हुआ है। हमारी मांग ये है कि हमें दे तिथि से ही डीए और एचआरए का वेतन में लागू करके दिया जाए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, जैसे कर्मचारी संघों द्वारा किया जाएगा, उनको समर्थन के साथ में हम कार्य करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। मुख्य रूप से हमारी दो ही मांग है, महंगाई भत्ता बढ़े हुए दर से केंद्र शासन के समान, और दूसरा है सातवां वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता। यही दो मांग मुख्य है। पहले हमने 3 चरण में हड़ताल किए थे, जिसमें कि तृतीय चरण में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक का हड़ताल था, लेकिन उसमें हमारी किसी प्रकार की मांग पूरी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मात्र 6% डीए बढ़ाया गया, वो भी दे तिथि से नहीं दिया गया। उसी के विरोध में आज हम सब कर्मचारी पूरे स्टेट लेवल पे 94 संगठनों द्वारा इस मांग को पूरी करने के लिए, पूरा 34% डीए देने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज यहाँ हम सब उपस्थित।